आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड से बहुत ही इजी नाश्ता। ये बहुत ही झटपट बन जाता है। सुबह का भाग दौड़ में आप ये नाश्ता बनाकर खा सकते हैं। तो शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बॉयल आलू लिया है और इसे हम मसल लेते हैं। या तो आप हाथ से इसे मसले या तो आप फोर्क की मदद से इसे मसल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू को अच्छे से मसल लिया है। तब तो हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है। थोड़ा सा मैंने बिल्कुल जीरा पाउडर डाला है। ये भुना हुआ जीरा का पाउडर है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ये चाट मसाला मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने बिल्कुल इसमें धनिया पत्ता डाला है। और इन सबको हम अच्छे से मिला लेते हैं। बिल्कुल मैंने इसमें डाला है। आप चाहे तो तीखा पसंद है तो इसमें हरा मिर्च भी आप काट कर बारीक करके डाल सकते हैं। अदरक भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे मिला लिया। यहाँ पर मैंने ब्रेड लिया है। अब मैं इस पर ब्रेड के ऊपर इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा आलू का मिश्रण का आप रख कर और इसे फैला ले ब्रेड के ऊपर। ये देखिए हमें इसी तरह से सारे ब्रेड में लगाना है और दूसरे ब्रेड से हम इस तरह से कवर कर देंगे। इसी तरह से हम लगा लेते हैं। बहुत ही इजी है। मैंने सारे ब्रेड में लगा लिए। पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। तब हम इसमें 1 चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे। बटर या घी कुछ भी आप डाल सकते हैं। और इसे हम चम्मच से और इस तरह से हम इसे तेल को अच्छे से फैला लेते हैं। तो यहाँ गर्म हो गया है तो एक एक करके हम इस तरह से पेस्ट को रख देंगे सेकने के लिए। तो दोनों तरफ अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसे हम दूसरे तरफ पलट कर दूसरे तरफ भी इसी तरह से हम सेक लेते हैं। तब ये दूसरे तरफ भी हम पलट लेते हैं। ये दूसरे तरफ भी अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन का हो गया है। ये दोनों तरफ अच्छे से गोल्डन ब्राउन का हो गया है। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ चीज लिया है और इसके ऊपर से हम चीज को डाल देते हैं। अगर आपके पास चीज नहीं है तो आप इसी तरह भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी भी लगता है। काट लेते हैं ट्रायंगल शेप में। ये देखिए इसे काट रहे हैं। गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। हम इसे आपको सर्व करके दिखाते हैं कि खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो आप इसे अपने मनपसंद चटनी सॉस किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो इस रेसिपी को आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।